आज अपन देखें नेक्स्ट एग्जांपल 5 मिनट 3। तो एग्जांपल अपने पास में है, प्रदर्शित करिए कि आर्गेन चित्र में एक सरल रेखा का समीकरण निम्न रूप में लिखा जा सकता है, जेड बी बार प्लस बी जेड बार इक्वल टू सी, जहां बी एक अशून्य सम्मिश्र अचर है तथा सी वास्तविक है। और साथ ही यह भी प्रदर्शित कीजिए कि बिंदु ए डैश बिंदु ए का उपरोक्त रेखा में प्रतिबिंब होगा यदि ए डैश बी बार प्लस ए बार बी इक्वल टू सी हो। तो देखिए भाई सॉल्व करते हैं लोग इसको। सबसे पहले आपको दे दिया कि आर्गेन चित्र में एक सरल रेखा का जो समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग आर्गेन चित्र में कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं। सपोज ये एक सरल रेखा है जिसके ऊपर दो बिंदु है, ये पी है जिसका कोऑर्डिनेट जेड वन है, और ये सपोज कोई दूसरा बिंदु क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है जेड टू। तो इन दोनों बिंदुओं को ये दोनों बिंदु आपने ले लिया, और चूंकि इस सरल रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है तो इसके ऊपर एक चर बिंदु ले लेते हैं अपन। सपोज ए हमने ले लिया, तो ए जिसका कोऑर्डिनेट आपने जेड ले लिया है, ठीक है। तो माना एक सरल रेखा पर, माना एक सरल रेखा पर दो बिंदु, पहला तो पी है जिसका कोऑर्डिनेट जेड वन है तथा दूसरा क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है जेड टू। तो माना एक सरल रेखा पर दो बिंदु है जेड वन और जेड टू। अब इसके ऊपर एक चर बिंदु ले लिया आपने ए, और उसका कोऑर्डिनेट आपने लिया है जेड तथा इस पर एक चर बिंदु, इस पर एक चर बिंदु ए जेड। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि जो तीन बिंदु हैं ए पी और क्यू तीनों एक ही सरल रेखा पर हैं। तो चूंकि ए पी क्यू एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए पी का पूर्णांक और पी क्यू का पूर्णांक बराबर होगा। इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पी, ए पी का मतलब जेड माइनस जेड वन, और पक्षांतर कर लिया तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ पी क्यू यानी कि जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो या पाई, जीरो या पाई, ठीक है। दोनों अगर एक ही दिशा में है तो जीरो हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में अगर है तो पाई हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग लिख सकते हैं इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो या पाई, ठीक है। अब ये पूर्णांक कोई भी जो सम्मिश्र संख्या उसका पूर्णांक जीरो या पाई होने का मतलब क्या होगा, देखिएगा किसी भी सम्मिश्र संख्या जेड को द्विगे रूप में आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें आप लोग थीटा को जीरो कर दीजिए तो साइन जीरो का मान जीरो हो जाता है, यानी कि काल्पनिक भाग जीरो हो जाता है। थीटा का मान अगर पाई कर दें तब भी साइन पाई का मान जीरो होता है, यानी कि अब भी काल्पनिक भाग जीरो हो जाता है। तो जैसे ही पूर्णांक जीरो हो जैसे पाई हो, तो पूर्णांक को हम लोग जैसे जीरो करें या पाई करें तो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग जीरो हो जाता है, यानी कि जो सम्मिश्र संख्या ये कैसी है, शुद्ध वास्तविक है। इसलिए जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड टू शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है, ठीक है। वास्तविक है यानी कि इसका काल्पनिक भाग शून्य है। इसलिए इमेजिनरी ऑफ जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड शुद्ध काल्पनिक है, इमेजिनरी ऑफ जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड टू शुद्ध काल्पनिक संख्या है।
इमेजिनरी ऑफ जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड टू शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो ठीक है, ये शुद्ध वास्तविक थी, इसका मतलब इसके जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास जीरो हो जाएगा ना, शुद्ध वास्तविक है यानी कि इसका काल्पनिक भाग शून्य है। तो देखिए काल्पनिक भाग जीरो हो गया। अब काल्पनिक भाग को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना भाई, कोई भी सम्मिश्र संख्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आप लोग जानते हैं इसका जो संयुग्मी होता है जेड बार, ये होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को अगर हम लोग घटा देते हैं तो जेड माइनस जेड बार एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, टू आयोटा वाई आ जाता है। तो यहां से जो काल्पनिक भाग है वाई, इसको आप लोग कैसे लिखते हैं, वन अपॉन टू आयोटा जेड माइनस जेड बार। तो काल्पनिक भाग जो होता है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या जेड का काल्पनिक भाग ऐसे आप लिख सकते हैं, वन अपॉन टू आयोटा जेड माइनस जेड बार। तो बिल्कुल उसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो क्या बनेगा देखते हैं, सबसे पहले वन अपॉन टू आयोटा और जेड माइनस जेड बार लिखते हैं हम लोग। तो जेड का मतलब यहां पर पूरी जो सम्मिश्र संख्या है जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड टू, और माइनस जेड बार का मतलब इसका संयुक्त भी करके लिख लीजिए, जेड बार माइनस जेड वन बार बटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर देंगे तो फिर ये बचेगा जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड बार माइनस जेड वन बार बटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार इक्वल टू जीरो। हल कर लीजिए इसको, एलसीएम ले लेते हैं दोनों पक्षों में। एलसीएम जब ले लेंगे तो इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगा जेड माइनस जेड वन और इसके मल्टीप्लाई में जाएगा जेड वन बार माइनस जेड टू बार, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड बार माइनस जेड वन बार इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई कर लीजिए और व्यवस्थित करके लिख लीजिए समीकरण को। तो सबसे पहले हम जेड का जो भी पद आएगा उसको लिख लेंगे। अब देखते हैं जेड का पद यहां से क्या बनेगा, ये जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड वन बार माइनस जेड टू बार से, फिर इसके बाद में हम लोग जेड बार को लिखेंगे। तो जेड बार को देखिए, जेड बार यहां आपके पास में ये रहा माइनस जेड बार, तो माइनस जेड बार और ये मल्टीप्लाई हो गया जेड वन माइनस जेड टू से। अब इसके बाद में हम ऐसी संख्या लिख लेंगे जिसमें जेड और जेड बार नहीं हो, तो जिसमें जेड और जेड बार नहीं हो उसको आपको लिखना है आप। तो देखिए एक बार तो जब ये माइनस जेड वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस जेड वन और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड वन बार माइनस जेड टू बार से। एक आप यहां से देख सकते हैं ये माइनस जेड वन बार, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जेड वन बार, और ये जेड वन बार मल्टीप्लाई किससे होगा, देखिए जेड वन बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू से, तो इंटू जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो। हल करिए तो जेड इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस जेड बार इंटू जेड वन माइनस जेड टू माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा जेड वन बार, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड वन जेड टू बार प्लस जेड वन बार माइनस जेड वन बार जेड टू इक्वल टू जीरो। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों ये जब कैंसिल हो गए तो क्या बनेगा, फिर देखें जेड इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार, जेड इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार, फिर माइनस जेड बार इंटू जेड वन माइनस जेड टू, और यहां से अपने पास में ये बचा है प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन बार जेड टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अब इसको अगर अपन देखें तो बड़े आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि जो जेड वन जेड टू बार है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड वन बार जेड टू का बार, तो इसका जो संयुग्मी है ये बनेगा ना जेड वन बार का बार, वो तो जेड वन हो जाएगा और जेड टू बार।
तो ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी है। अब दोनों एक दूसरे के संयुग्मी है तो देखिएगा, यानी कि जैसे मान लो इसको मैं जेड मान लू और इसको जेड बार मान लू, ठीक है। अभी जैसे देखा था जेड अगर एक्स में सही होगा वाई हो, तो इसको अगर अपन जेड मान ले इसको जेड बार मान ले, तो जो जेड माइनस से जेड बार होगा ये बराबर आता है टू आयोटा वाई के। टू आयोटा वाई का मतलब शुद्ध काल्पनिक संख्या आपको प्राप्त होती है। तो जेड माइनस से जेड बार जो होती है वो आपको हमेशा शुद्ध काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए ये जो जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू। अब शुद्ध काल्पनिक आ गई तो देखिएगा शुद्ध काल्पनिक संख्या जो होती है, अभी देखा अपन ने जेड माइनस जेड बार आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। तो मान लिया कि सपोज ये जो शुद्ध काल्पनिक संख्या यहां पर है इसको अपन आयोटा सी मान लेते हैं, जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू शुद्ध काल्पनिक संख्या थी, इसलिए अपन ने इसको क्या लिख लिया है आयोटा सी। अब इसको आयोटा सी आपने लिख लिया तो आयोटा सी इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा जेड इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस जेड बार इंटू जेड वन माइनस जेड टू और प्लस ये जो जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू इसको आपने क्या मान लिया है आयोटा सी। तो इसको आपने लिखा आयोटा सी इक्वल टू जीरो। अब एक बार समीकरण के दोनों पक्षों को हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा जेड इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस आयोटा जेड बार इंटू जेड वन माइनस जेड टू और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन हो जाता है, इसलिए माइनस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये वाला इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ, लेकिन अपने को तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करके लिखना है। अब इस वाले फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से मान लिया कि माइनस आयोटा जेड वन माइनस जेड टू इसको हमने बी मान लिया है, माइनस आयोटा जेड वन माइनस जेड टू इसको हमने क्या मान लिया बी। इसके दोनों पक्षों को अगर संयुग्मी करें तो क्या बनेगा, देखिए भाई माइनस आयोटा का संयुग्मी प्लस आयोटा होता है ना, माइनस आयोटा का संयुग्मी प्लस आयोटा और प्लस आयोटा का संयुग्मी माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा का जो संयुग्मी है ये प्लस आयोटा हो जाएगा और इनटू जेड वन का संयुग्मी जेड वन बार जेड टू का संयुग्मी जेड टू बार और इक्वल टू बी का जो संयुग्मी है बी बार। तो इसलिए अब आप लोग देख सकते हैं आयोटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार ये तो आपके पास मिल जाएगा बी बार और बचा यहां से जेड, फिर माइनस आयोटा जेड वन माइनस जेड टू इसको आपने बी मान लिया तो ये बन गया प्लस बी जेड और माइनस सी है, इसका पक्षांतरण अगर हम लोग कर देंगे तो ये आपके पास में जाएगा प्लस सी। तो इक्वेशन ये आपके पास में आ गया बी बार जेड प्लस बी जेड इक्वल टू सी, जो कि हमें सिद्ध करना था। और यहां बी अशून्य सम्मिश्र अचर है और सी कैसी है वास्तविक, तो ये अपन ऐसा लिखते हैं ना आयोटा सी, तो इसमें सी तो वास्तविक ही होता है ना। जैसे जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं, जेड बार को आप लोग एक्स माइनस आयोटा वाई लेते हैं, तो जो जेड माइनस जेड बार होता है जो काल्पनिक आता है टू आयोटा वाई, तो इसमें वाई तो वास्तविक ही होता है ना, तो यहां सी कैसा होगा वास्तविक होगा। तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि यहां पी अशून्य सम्मिश्र अचर है, अशून्य सम्मिश्र अचर है, अशून्य सम्मिश्र अचर है तथा सी वास्तविक है, तथा सी वास्तविक है। ठीक है, तो हमने ज्ञात कर लिया सरल रेखा का समीकरण। अब अपने को सिद्ध करना है कि बिंदु एडेस बिंदु ए का उपरोक्त रेखा में यानी कि इस रेखा में जो हमने ज्ञात करी अभी इसमें प्रतिबिंब होगा यदि एडेस बी बार प्लस ए बार बी इक्वल टू सी। तो देखिएगा सपोज ये तो आपकी दी गई रेखा है, ये दी गई रेखा और इसमें बिंदु एडेस बिंदु ए का प्रतिबिंब होगा यदि, तो देखो सपोज ये एक बिंदु पी है जिसका कोऑर्डिनेट ए है और ये बिंदु क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है एडेस, पी को क्यू से मिला दीजिएगा आप लोग। अब बिंदु ए
बिंदु बे का प्रतिबिंब हो तो प्रतिबंध अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस दी गई रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं आर, जिसका कोऑर्डिनेट है जेड। अब पी और क्यू दोनों को हम लोग मिला देंगे आर से। अब भाई चूंकि पी क्यू का प्रतिबिंब है या क्यू पी का प्रतिबिंब है, तो चूंकि बिंदु क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है ए डैश, बिंदु पी कोऑर्डिनेट है ए का प्रतिबिंब है, का प्रतिबिंब है, ठीक है, बिंदु क्यू बिंदु ए का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब का मतलब आप जानते हैं, जब भी बिंदु पी इस बिंदु क्यू का प्रतिबिंब होगा इस दीर्घ रेखा में, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये रेखा है ये इस पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। जब भी प्रतिबिंब होगा तब हमेशा ये रेखा पी क्यू का क्या होगी, लंब समद्विभाजक। तो हम यहां लिख देंगे इसलिए पी क्यू, इसलिए दी गई रेखा, इसलिए दी गई रेखा पी क्यू का लंब समद्विभाजक है, दी गई रेखा पी क्यू का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। जो पी क्यू है, जो दी गई रेखा है वो पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। अब जैसे ही दी गई रेखा इस पी क्यू का लंब समद्विभाजक होगी तो क्या होगा, ध्यान देना, लंब समद्विभाजक यानी ये कोण समान होंगे दोनों, ये समद्विभाजक का मतलब ये दोनों रेखाएं बराबर और ये होगा नेक्स्ट आपके पास में, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए और सर्वांगक्षम त्रिभुजों की संगत भुजें समान होती है, इसलिए पी आर बराबर हो जाएगी क्यू आर के, लंब समद्विभाजक है इसलिए पी आर इक्वल टू क्यू आर। अब जो पी आर है उसको देखिए कैसे निकालोगे आप लोग, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो कैसे लिखेंगे, रूट जेड माइनस एट इक्वल टू क्यू आर, तो ये आपके पास आ जाएगी मोड जेड माइनस ए डैश, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर लेंगे तो मोड जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू मोड जेड माइनस ए डैश स्क्वायर। अब देखिएगा सम्मिश्र संख्याओं में एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो इस प्रकार से होता है, मोड जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड इंटू जेड वर्ग, इसलिए मोड जेड माइनस ए स्क्वायर को अपना ऐसा लिख सकते हैं जेड माइनस ए इंटू जेड बार माइनस ए बार इक्वल टू, इसी प्रकार मोड जेड माइनस ए डैश स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड माइनस ए डैश और इंटू इसका संयुग्म तो जेड बार माइनस ए डैश बार, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम ऐसे पद लिख लेंगे जिनमें जेड हो, तो देखते हैं एक बार को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जेड वाले पदों को एक जगह लिख लेंगे, तो जेड कहां कहां से आएगा देखना, एक बार तो ये जो जेड है मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड बार माइनस ए बार से, तो ये अपने पास में आ गया जेड बार माइनस ए बार। इसके अलावा देखिएगा एक आपके पास में इन से दोनों से आएगा, ठीक है, जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड बार माइनस ए डैश बार से, तो इसका अगर पक्षांतरण कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा जेड बार और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए डैश बार। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे जेड बार के पद को, तो जेड बार को लिखिए देखो, एक बार ये रहा जेड बार और इस जेड बार के मल्टीप्लाई में आ जाएगा जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए, एक जेड बार यहां से मिलेगा आपको जिसके मल्टीप्लाई में जेड माइनस ए डैश है, और इसका जैसे पक्षांतरण करेंगे तो माइनस जेड हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए डैश हो जाएगा और इक्वल टू जेड और जेड बार के अलावा जो पद बच गए उनको अपना दाईं तरफ लिख देंगे। तो देखिए एक तो यहां से ये बचा आपके पास में माइनस ए डैश मल्टीप्लाई हो गया इससे, देखो जेड को आप इससे पूरे से कर चुके मल्टीप्लाई, तो एक तो ये बचेगा आपके पास में यहां से माइनस ए डैश मल्टीप्लाई होगा माइनस ए डैश बार से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए डैश बार। एक पद आपके पास में यहां से बचेगा ये वाला माइनस ए मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बार से, तो प्लस ए ए बार हो जाएगा, जिसका पक्षांतरण हम लोग करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए ए बार, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा, ये जेड बार पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा ये जेड पॉजिटिव ये वाला जेड नेगेटिव ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो बचे है उसको हल कर लीजिएगा। तो बाकी जो बचा उसको देखते हैं आप, जेड इंटू
क्या बचा अपने पास, ए डैश बार माइनस ए बार, ए डैश बार माइनस ए बार प्लस जेड बार इंटू, अब क्या बचा यहां से, ए डैश माइनस है, ए डैश माइनस है इक्वल टू ए डैश बार माइनस ए ए बार। ठीक है भाई, यह आपने सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। और चूंकि इस ये जो समीकरण आपने ज्ञात किया उसमें देखो ये जो आर था वो दी गई सरल रेखा पर था, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है दी गई सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, तो यह समीकरण दी गई रेखा को प्रदर्शित करता है, यह समीकरण दी गई रेखा को प्रदर्शित करता है। जबकि दी गई रेखा का समीकरण तो यह है, इसका मतलब ये दोनों एक ही रेखा के समीकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो तुलना कर लीजिए इसकी, इसलिए इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना सपोज जैसे मैं इसको एक कर देता हूं, तो समीकरण एक से करने पर, समीकरण एक से करने पर, अब समीकरण एक से इसकी तुलना कर दीजिए, देखो क्या बनता है, यहां पर जो जेड का गुणांक है ये आपके पास आ रहा है ए डैश बार माइनस ए बार, और बटा यहां से जेड का जो गुणांक है ये बी बार है इक्वल टू, फिर जेड बार का जो गुणांक है इसमें ए डैश माइनस ए है, जबकि समीकरण एक में जेड बार का गुणांक है बी इक्वल टू, अचर पद देखिए यहां से है ए डैश बार माइनस ए ए बार, और बटा यहां से अचर पद सी है, ये तीनों बराबर है, तो तीनों को मान लिया सपोज कि के बराबर है। तो अब अपने को सिद्ध करना है कि जो ए डैश बी बार प्लस ए बार बी है ये सी के बराबर होगा, तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो के बराबर कर लिए, अब इसका मान अपने ज्ञात करेंगे, अब इसका जो मान है इसको ज्ञात करने के लिए देखिए एक बार अगर इनको दोनों को बराबर कर ले अपन तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डैश बार माइनस ए बार इक्वल टू बी बार और के। ठीक है, तो यहां से जो बी बार है इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, बी बार आपको मिल जाएगा, और फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ए डैश माइनस ए या आपके पास में बराबर होगा बी के, तो यहां से हमें बी मिल जाएगा, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ए डैश बार माइनस ए ए बार ये बराबर हो जाएगा सी के। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा, तो अब आपके पास में ये है ए डैश बी बार प्लस ए बार बी इक्वल टू ए डैश बी बार, अब बी बार को लिखिए भाई, बी बार आपके पास में क्या जाएगा वन अपॉन के इंटू ए डैश बार माइनस ए बार प्लस ए बार बी, तो प्लस ए बार और बी का जो मान है ये हो जाएगा वन अपॉन के ए डैश माइनस ए इक्वल टू, अब हल करना और आपको सिद्ध करना है कि इसका जो मान है वो सी के बराबर आएगा, इसको हल करेंगे एक बटा के कॉमन आ गया दोनों में से, तो ए डैश को मल्टीप्लाई करिए ए डैश बार हो जाएगा, तो याद रहेगा ए डैश बार, फिर आ जाएगा माइनस ए बार ए डैश, तो माइनस ए बार ए डैश, इसके बाद आ जाएगा प्लस ए बार ए डैश, तो प्लस ए बार ए डैश, और इसके बाद में आ जाएगा माइनस ए ए बार, तो माइनस ए ए बार, अब आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचा वन अपॉन के इंटू ए डैश बार माइनस ए ए बार इक्वल टू, अब देखिएगा ए डैश बार माइनस ए ए बार ये बराबर था सी के, तो वन अपॉन के और इंटू सी के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया सी, ये हमें सिद्ध करना था कि ए डैश बी बार प्लस ए बार बी बराबर है सी के।